रविवार को शहर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अमन सेठी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने प्रदेश की जयराम सरकार पर भारी राज्यों के लोगों को नौकरियां देने के आरोप लगाए। अमन सेठी ने कहा कि प्रदेश सरकार हेल्थ वर्कर भर्ती में नाइंसाफी कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसका विरोध करती है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अमन सेठी ने कहा कि हिमाचल सरकार ने पिछले दिनों 3 लोगों को हेल्थ वर्कर के तौर पर भर्ती किया, लेकिन तीनों हरियाणा के रहने वाले हैं, जबकि कायदे से हेल्थ वर्कर्स स्थानीय होना जरूरी है ताकि आपातकाल में भी मौके पर सेवा दे सके। अमन सेठी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला और अपना ही विधानसभा में 2 बाहरी राज्यों के लोगों को बतौर हेल्थ वर्कर नियुक्ति दी गई है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री इस विषय में बोलने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे करती है प्रदेश के युवाओं के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए बातें करती है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा दिखाने के लिए कुछ और है और कहने के लिए कुछ और है। ताज़ा उदाहरण यही है कि अभी स्वास्थ्य विभाग में मेल हेल्थ वर्कर की नियुक्तियां की गई, जिसमें 3 लोगों की नियुक्तियां हुई, वो तीनों के तीनों लोग बाहर राज्य से रखे गए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, कि क्या हमारा हिमाचल का युवा इतना सक्षम नहीं है? क्या हिमाचल का युवा हमारा इतना सक्षम नहीं है कि आप उनको, हिमाचल के युवाओं को नौकरी दे सकें? जो इसमें 3 लोगों को नौकरियाँ दी गई, वो तीनों के तीनों हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि इसमें हमारे राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री है, उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में 2 लोगों को नौकरियां दी गई मेल हेल्थ वर्कर के लिए। तो सीधा सीधा ये सरकार के ऊपर सवाल है कि सरकार के जो चेहरा है वो दिखाने का कुछ और है और कहने का कुछ और है। जो युवाओं को छला जा रहा है, उनके भावनाओं से खेला जा रहा है। और इसी विषय में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री इस सवाल का जवाब दे कि क्या हिमाचल का जो युवा है वो सिर्फ वोट देने के लिए है और नौकरियां जो है वो बाहरी राज्य के लोगों को दी जा रही है। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आने वाले कोई इसी महीने के माह के आखिर में प्रधानमंत्री जी जो मंडी में आ रहे हैं और युवाओं का एक सम्मेलन कर रहे हैं, होर्डिंगें बड़ी बड़ी लगाई जाइए कि 1,00,000 युवा उस सम्मेलन को सुनेगा। तो मैं यही सवाल करता हूँ कि वोट तो मांगो हमारे हिमाचल के युवा से, और लेकिन नौकरी बाहरी राज्य के युवा को दो, मुख्यमंत्री जी, ये नहीं चले। रविवार को शहर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अमन सेठी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने प्रदेश की जयराम सरकार पर भारी राज्यों के लोगों को नौकरियां देने के आरोप लगाए। अमन सेठी ने कहा कि प्रदेश सरकार हेल्थ वर्कर भर्ती में नाइंसाफी कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसका विरोध करती है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अमन सेठी ने कहा कि हिमाचल सरकार ने पिछले दिनों 3 लोगों को हेल्थ वर्कर के तौर पर भर्ती किया, लेकिन तीनों हरियाणा के रहने वाले हैं, जबकि कायदे से हेल्थ वर्कर्स स्थानीय होना जरूरी है ताकि आपातकाल में भी मौके पर सेवा दे सके। अमन सेठी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला और अपना ही विधानसभा में 2 बाहरी राज्यों के लोगों को बतौर हेल्थ वर्कर नियुक्ति दी गई है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री इस विषय में बोलने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे करती है प्रदेश के युवाओं के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा दिखाने के लिए कुछ और है और कहने के लिए कुछ और है। ताज़ा उदाहरण यही है कि अभी स्वास्थ्य विभाग में मेल हेल्थ वर्कर की नियुक्तियां की गई, जिसमें 3 लोगों की नियुक्तियां हुई, वो तीनों के तीनों लोग बाहर राज्य से रखे गए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, कि क्या हमारा हिमाचल का युवा इतना सक्षम नहीं है? क्या हिमाचल का युवा हमारा इतना सक्षम नहीं है कि आप उनको, हिमाचल के युवाओं को नौकरी दे सकें? जो इसमें 3 लोगों को नौकरियाँ दी गई, वो तीनों के तीनों हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि इसमें हमारे राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री है, उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में 2 लोगों को नौकरियां दी गई मेल हेल्थ वर्कर के लिए। तो सीधा सीधा ये सरकार के ऊपर सवाल है कि सरकार के जो चेहरा है वो दिखाने का कुछ और है और कहने का कुछ और है। जो युवाओं को छला जा रहा है, उनके भावनाओं से खेला जा रहा है। और इसी विषय में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री इस सवाल का जवाब दे कि क्या हिमाचल का जो युवा है वो सिर्फ वोट देने के लिए है और नौकरियां जो है वो बाहरी राज्य के लोगों को दी जा रही है। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आने वाले कोई इसी महीने के माह के आखिर में प्रधानमंत्री जी जो मंडी में आ रहे हैं और युवाओं का एक सम्मेलन कर रहे हैं, होर्डिंगें बड़ी बड़ी लगाई जाइए कि 1,00,000 युवा उस सम्मेलन को सुनेगा। तो मैं यही सवाल करता हूँ
कि वोट तो मांगो हमारे हिमाचल के युवा से, और लेकिन नौकरी बाहरी राज्य के युवा को दो, मुख्यमंत्री जी ये नहीं चले।